21 महायोद्धाओं के डिफेंस सीरीज के पड़ाव में आज के हमारे अगले महायोद्धा हैं श्री राम रघोबर राणे। 1948 में पाकिस्तान के कबाइली हमले का भारतीय सेना ने बखूबी जवाब दिया था। उस समय एक चुनौती बनती जा रही थी कि बारावली रिज और राजौरी तक कैसे पहुंचा जाए। इस मार्ग पर कई रुकावटें बनती जा रही थी, जिसमें प्रमुख था जगह जगह लैंड माइंस का होना। इस मुश्किल घड़ी में एक जाबाज सामने आया और वो था राम रघोबर राणे। श्री राणे के पिता एक राज्य पुलिसकर्मी थे, उनका बचपन ठीक ठाक बीता। श्री राणे पर 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी इसमें भाग लेने का मन बना लिया था, हालांकि परिवार की बंदिशों के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। 22 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की बॉम्बे इंजीनियरिंग रेजिमेंट को ज्वाइन किया। उन्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला बर्मा युद्ध पर। वहां पर उन्होंने जापानी सेना से दो दो हाथ करे और अपना रण कौशल दिखाया। इस बहादुरी के लिए उन्हें पदोन्नत किया गया। उन्हें सिपाही से जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अर्थात JCO बना दिया गया। अब मौका आया JNK में अपनी बहादुरी दिखाने का। 18 मार्च 1948 को भारतीय सेना ने झंगर पर तिरंगा फहरा दिया, मगर दुश्मन ने बड़ी चोट पहुंचाई राजौरी और पुंछ के बीच नेशनल हाईवे को बर्बाद करके। अब भारतीय सेना के पास चुनौती थी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। जैसे तैसे भारतीय सेना ने राजौरी को जीता, पर उनके सामने भी नौशेरा पहुंचने की चुनौती थी, जो 11 किलोमीटर की दूरी पर थी। और थी चुनौती रास्ते में आने वाले लैंड माइंस की। अब शुरू हुआ इस जाबाज सिपाही का खेल। वह अपने दल सहित लैंड माइंस साफ करने में लग गया। वे कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि उनकी टीम पर जोरदार हमला हुआ, जिसमें उनके कई साथी वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर भी राणे पीछे नहीं हटे। अपनी शौर्य की बदौलत राणे नदी पर पुल बनाने में कामयाब रहे और माइंस को क्लियर करने में सफल रहे, और उन्होंने इसके साथ ही अपने टैंक्स को भी आगे पढ़ने में मदद करी। राणे इतने बहादुर थे कि स्वयं टैंक के नीचे लेटकर माइंस साफ करते रहे और टैंक के ड्राइवर को दो रस्सियों की मदद से रास्ता दिखाते रहे। इस तरह उन्होंने कई माइंस फील्ड साफ करी और दुश्मन की कई टुकड़ियों को भी बर्बाद करा। इस दौरान उन्हें एक गोली लग गई, जिससे वे जख्मी हो गए, परंतु उन्होंने अपना काम अंजाम तक जारी रखा। लगातार 72 घंटों तक बिना खाए पिए और सोए राणे अपना काम करते रहे और अपनी टुकड़ी को सुरक्षित रास्ता प्रदान करते रहे। इस वीर प्रदर्शन के कारण भारतीय सेना दुश्मन को खदेड़ने में कामयाब रही। इस अदम्य साहस और सूझबूझ के प्रदर्शन के लिए राणे को देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वह इस पदक को प्राप्त करने वाले पहले जीवित व्यक्ति थे। देश के वीर सैनिकों के लिए कुछ चंद पंक्तियां हैं। आजादी देश का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे। जय हिंद।